हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में हमारे चैनल पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था कि जो ख्याति होती है उसका मूल्यांकन कैसे कैसे करा जाता है, ख्याति क्या होती है, कौन कौन से उसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जिसमें से हमने क्वेश्चन करे थे, न्यूमेरिकल्स करे थे, ठीक है। इस चैप्टर को क्लोज करने के बाद हम जब तीसरे चैप्टर पर पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पे, अवकाश ग्रहण करने पर, तो उसकी थ्योरी के बाद फिर हम अपने न्यूमेरिकल अपने दोबारा शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या फिर नए साझेदार का प्रवेश। क्या है चैप्टर में ये समझ लेना कि जब कोई भी साझेदार एक फर्म में प्रवेश करता है, एक साझेदारी कंपनी में प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो उसकी क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, मतलब क्या 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 उसके अधिकार हैं और क्या क्या उसे चुकाना बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, फिर नए साझेदार का प्रवेश का क्या मतलब है, ठीक है। किन किन शर्तों पर लिया जाता है नया साझेदार, तो क्या है कि किसी भी फर्म के अन्य साझेदारों की सहमति से, मतलब क्या, जब कोई अन्य साझेदार सहमत हो जाते हैं, किसी फर्म का साझेदार बनाया जाता है, सहमति से ही किसी फर्म का साझेदार बनाया जाता है तीसरे पर्सन को। जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को अधिक लाभ तथा सुरक्षा की दृष्टि से अपने व्यवसाय में सम्मिलित करता, मतलब क्या, किसी बिजनेसमैन ने ये कहा कि आप अगर मेरे बिजनेस में आएंगे, मेरी पार्टनरशिप में आके पार्टनरशिप करेंगे, तो आपका क्या है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस अपने व्यवसाय में सम्मिलित करता है, तो इस पर्पज से वो अपने बिजनेस में एडमिट कर रहा है, तो उसे नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। किसी भी फर्म में किसी व्यक्ति को निम्न कारणों से लिया जाता है, मतलब उसके क्या क्या राइट्स होते हैं जो जो अपनी पार्टनरशिप फर्म में वो एंटर करता है या फिर एडमिट होता है, ठीक है। क्या क्या राइट्स होते हैं कि किसी फर्म को स्थायी रूप से अधिक पूंजी की आवश्यकता, मान लो कोई फर्म के पास पैसा कम है और उसे एक ऐसा पर्सन मिल रहा है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो क्या कहेगा उनसे कि आप हमारी पार्टनरशिप में ऐड हो जाइए, जो भी आपको प्रॉफिट लेना है वो आपको पर्टिकुलर प्रॉफिट आपको पर टू पर डेट मिलता रहेगा। सेकेंड पॉइंट है, फर्म को किसी योग्य व्यक्ति की सेवाओं की आवश्यकता या फिर फर्म को किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसके काम को आसानी से कर सकता है, उसके काम को संभाल सकता है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकता है, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है, किसी भी नए साझेदार का प्रवेश चाहिए होता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब फर्म, थर्ड पॉइंट है, जब फर्म को किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता हो, मतलब क्या, जब कोई फर्म ऐसे चाहती हो कि मेरे फर्म में सिर्फ एक व्यक्ति ही काम कर सकता है जो कि सारे काम को संभाल सकता है, तो क्या होता है कि तब एक नए साझेदार का प्रवेश होता है। फोर पॉइंट है, किसी सुयोग्य मैनेजर को प्रोत्साहन देने के लिए साझेदार बनाया जा सकता है, मतलब क्या कि एक किसी फर्म में कोई साझेदार है और उससे कम कोई मैनेजर है और उससे कह रहे हैं कि आप हमारे पार्टनरशिप में ऐड होकर थोड़ा सा पैसा लगाकर आप क्या हो जाइए, हमारे पार्टनर बन जाइए, जो भी आपका प्रॉफिट होगा आपको पर्टिकुलर प्रॉफिट आपको टाइम टू टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है उसकी। इंग्लिश में बात करें तो द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज मेड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर, मतलब क्या, जब पार्टनर दूसरे पार्टनर की सहमति से हो जाता है या फिर सहमत हो जाता है दूसरे पार्टनर की एंट्री पर किसी भी फर्म की, व्हेन अ ट्रेडर इनकॉर्पोरेट्स अनदर ट्रेडर इनटू हिज बिजनेस टर्म्स, कि उसकी क्या क्या टर्म्स होती हैं ऑफ ग्रेटर प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी, कि उसका क्या क्या लाभ होगा, वो अपनी क्या क्या चीज़ें सिक्योरिटी को लेकर आएगा, इट इज़ कॉल्ड द एंट्री ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसे हम क्या कहते हैं, एक नया पार्टनर कहते हैं या नए पार्टनर का प्रवेश कहते हैं, एंटर कहते हैं, ठीक। ए पर्सन इज़ हायर्ड इन एनी फर्म फॉर द फॉलोइंग रीज़न, मतलब क्या, एक पर्सन निम्नलिखित चीज़ों से अपनी चीज़ को हायर करता है, फॉलो करता है, क्या कि ए फर्म नीड्स मोर कैपिटल परमानेंटली, एक फर्म को क्या चाहिए होती है, जब कभी भी फर्म को अधिक पूंजी चाहिए होती है, अधिक पैसा चाहिए होता है, या फिर सेकेंड पॉइंट, द फर्म नीड्स द सर्विसेज ऑफ अ क्वालिफाइड, एक क्वालिफाइड पर्सन चाहिए होता है, या फिर थर्ड पॉइंट है, व्हेन द फर्म नीड्स अ टैलेंटेड पर्सन, जब किसी फर्म को टैलेंटेड पर्सन की नीड होती है, या फिर टू प्रमोट एन एबल मैनेजर अ पार्टनर्स कैन बी मेड, या फिर किसी मैनेजर को एक पार्टनर बना दिया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका त्याग अनुपात की गणना। देखो, आपने सभी पढ़ा था कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता, जिसका मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराए थे, छोटे छोटे बड़े न्यूमेरिकल भी हुए थे, और उनका मैंने पीछे भी आपको फॉर्मूला बताया था। तो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है फॉर हिंदी वर्जन के लिए, कि साझा क्या होता है त्याग अनुपात, कि जब साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश में पुराने साझेदार के लाभ के हिस्से में होने वाली कमी के अनुपात को त्याग अनुपात कहते हैं। कन्फ्यूज़न मत होना कि जब कोई पार्टनर आता है तो उसका पुराना रेशो से जब हम
पुराना रेशो से जब नया रेशो दिखाते हैं तो उसको बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसे हम बोलते हैं त्याग अनुपात। क्या कि जैसा मान लीजिए कि मुझे 2019 में कुछ प्रॉफिट हुआ और उसे मैं 2020 में भी मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, जब मैं इन दोनों के बीच की तुलना करूँगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन करूँगा, तब मेरी जो पॉइंट निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस रेशो या फिर त्याग अनुपात। फॉर्मूला क्या है कि त्याग अनुपात इज इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। जो मेरा पुराना रेशो है या जो मुझे पुराना प्रॉफिट है वो उसमें से माइनस कर दूंगा मैं नया प्रॉफिट जो मुझे इस बार हुआ। ठीक है, तो द रेशो ऑफ द डिक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, मतलब जब कोई भी रेशो डिक्रीज हो जाता है किसके लिए, एक नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनरशिप फर्म में, इन द एंटर जब वो एंटर करता है ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर इन अ पार्टनरशिप, किसमें, पार्टनरशिप में, तो फर्म इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशो। क्या है, सेक्रीफाइस रिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब क्या, जो पुराना अनुपात है वो माइनस नया अनुपात। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि क्वेश्चन है नए साझेदार के अधिकार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन चलता है। ठीक है, चलता नहीं है मतलब पेपर में आता है, क्वेश्चन नहीं चल सकता। ठीक है, क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है आपकी फर्म की संपत्ति पर अधिकार। जब आप, सीधी सी बात है, आप जब कंपनी में एंटर कर रहे हो, किसी पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रहे हो, तो आप क्यों एंटर कर रहे हो, कि जो भी इनकी संपत्ति है उस पर अगर इन दोनों का अधिकार है और मैं कुछ पैसा लेके आऊँगा तो मेरा भी अधिकार होगा। क्यों, क्योंकि मैं पैसा लेकर आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले रहा हूँ, तो मेरे जो भी काम होगा मेरी सभी संपत्तियों पर अपना अधिकार होगा उन्हीं अनुपात के अनुसार या उसी रेशो के अनुसार, या फिर राइट्स ऑन एसेट्स ऑफ फर्म। सेकंड पॉइंट है लाभ का अधिकार, कभी कंपनी को लाभ होता है तो वो भी प्रॉफिट मुझे मिलेगा जो मेरा रेशो है। थर्ड पॉइंट है हानि का अधिकार। देखो, सबने ये तो सुना कि लाभ का अधिकार तो होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उन्हें हानि हो जाती है, लॉस में चले जाते हैं, तो उस लॉस को जो पे करते हैं वो वही पार्टनर्स करते हैं जो उस समय प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं है कि एक पार्टनर भाग जाए या दो पार्टनर भाग जाए कि हाँ भाई अब हानि होगी तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, तो ऐसा नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है आपका पूंजी विभाजन का अधिकार या फिर राइट्स ऑन कैपिटल डिवाइडेशन। कभी भी पूंजी लेकर आऊँगा तो उसका भी मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि कितनी कितनी पूंजी बट रही है और मेरी स्वयं की पूंजी कितनी है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हैं, इसके राइट्स हैं कि उनके क्या क्या साझेदार के अधिकार होने चाहिए। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों वीडियोज़ को अच्छे से देखना। अभी तक की पीछे जो वीडियोज़ थी जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताई थी उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन नोट कर लेना, एक प्रॉपर नोट्स रेडी कर लो। अगर किसी को नीड है कि मैं सर वीडियो नहीं देख पा रहा या मुझे वीडियो नहीं समझ में आ पा रही या कुछ लैंग्वेज नहीं आ रही मुझे समझ में, तो मैं उसके क्लियर करूँगा डाउट को। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ फाइल भी सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को अरेंज कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स।